राजस्थान के भरतपुर से इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है। सीवर टैंक की सफाई के दौरान में जहरीली गैस का रिसाव, हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, 2 का इलाज जारी। बड़ी बात यह है, आमतौर पर सीवर टैंक की सफाई के दौरान में इस तरह के जो मामले हैं वो आम हो गए हैं। हादसे में 3 लोगों की जान जाने की सूचना अभी तक मिल रही है और 2 का इलाज लगातार जारी है। अब बड़ा सवाल ये है कि जब भी सीवर की सफाई होती है उस दौरान में कई एहतियात बरतने होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि काफ़ी जहरीली गैस सीवर में होती है, क्योंकि आप लगातार पूरा कचरा, कूड़ा, गंदा पानी इन्हीं सीवरेज के जरिए आगे बढ़ता है, तो ऐसे में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जहरीली गैसें उत्पन्न होती हैं। इसलिए जब सीवर की सफाई की जाती है तो कई एहतियात बरते जाते हैं। क्या उन एहतियात बरतने की यहाँ पर पहल की गई, या फिर मजदूरों की जिंदगी को हल्के में लिया जा रहा है और उनकी जिंदगी दांव पर लगाई जा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है और ये जांच का विषय बना हुआ है। हादसे में 3 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है, 2 का इलाज जारी है। जहरीली गैस के रिसाव से 3 लोगों की जान चली गई सीवर की सफाई के दौरान। भरतपुर राजस्थान की तस्वीरें, सीवर टैंक की सफाई के दौरान में जहरीली गैस का रिसाव, जिस कारण से 3 लोगों की जान गई है हादसे में और 2 का इलाज जारी है। पुलिस मौके पर मौजूद है और लगातार जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। तो ये खबर इस वक्त राजस्थान के भरतपुर से है, जहां पर सीवर टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस के रिसाव से 3 लोगों की मौत हो गई।